नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज फिल्म टाइगर से का आज डे 11 है। इसकी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी बताना चाहता हूँ मॉर्निंग शोज की, और दिन ब दिन इसकी ऑक्यूपेंसी गिरते जा रही है, बात तो तय है। फिल्म फिर भी डिसेंट रन मेंटेन करते हुए चल रही है, और ये डिसेंट रन इसका 30 तारीख तक आराम से रहेगा, क्योंकि 30 तारीख तक कोई बड़ी फिल्म आकर इसे परेशान नहीं करने वाली। हालांकि कुछ कुछ स्क्रीन्स के पास से अब धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि पब्लिक जब आ ही नहीं रही है तो शो कैंसिल कराने से बेहतर है जो थिएटर मालिक है वो अपनी फिल्म का शो किसी और फिल्म को दे, शायद किसी और फिल्म में कोई दर्शक तो आए, क्योंकि जो उम्मीद थी टाइगर 3 से वो उम्मीद पर पूरी तरह कायम नहीं रह पाई है ये फिल्म, क्योंकि थिएटर मालिक ने जो सोचा कि जो पठान के वक्त, जो जवान के वक्त कमाई हुई, जो इधर उधर से कमाई हुई और जो भी कमाई हुई वैसी कमाई इस फिल्म से होगी टाइगर 3 से, लेकिन जब ऑडियंस ही नहीं है बहुत ज़्यादा तो वो कमाई कहाँ से होगी। तो उम्मीद तो हम जो सलमान खान फैंस और हम लोग भी आसमान छूने की लगाए बैठे टाइगर 3 से, लेकिन टाइगर 3 एक दिन उछला, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन लुढ़क कर वापस ज़मीन पर आ गया। तो ये चीज़ इस फिल्म के साथ ज़रूर हुई है, और आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो 5% की नज़र आ रही है, और कल की जो थी ऑक्यूपेंसी डे 10th की मॉर्निंग शो की वो 7% तक थी, आज की ऑक्यूपेंसी 5% है। तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी लगातार गिर रही है, बहुत स्ट्रांगली नहीं गिर रही लेकिन फिर भी गिर तो रही है, और आफ्टरनून इवनिंग नाइट शोज में ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और हर दिन बढ़ रही है, ये बात तो तय है। लेकिन ये फिल्म इस तरह से कितनी लंबी जाएगी ये अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस सिचुएशन में फिल्म है और जिस तरह से फिल्म चल रही है, मेरा ऐसा मानना है 280-290 करोड़ यहाँ से नज़र आ रहे हैं, और मेरे को ऐसा आउटसाइड चांस लगा कि फिल्म शायद 300 करोड़ टच कर ले। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको डेली बताता रहूँगा, लेकिन ये है कि इस फिल्म से जो दिल लगाए बैठे थे उनका दिल ज़रूर टूटा है, ये शायद आप समझ सकते होंगे। शिवपाल के भाई नमस्कार।